Good morning, student. Welcome back to our seventh session. How are you all? I hope all are good and healthy. So, take out Urdu reader and take out page number 12. यहाँ पर नीचे लिखे हुरूफ को तरतीब देकर लिखिए, मतलब तरतीब देके लिखना है अपने को. अभी यहाँ पर क्या है हेडिंग? नीचे लिखे हुरूफ को तरतीब देकर लफ्ज बनाएं. यहाँ पर जंबल है, उसको अपने को तरतीब से लिखना है, यानी सीरियल वाइज उसको लिखना है. सो शैल वी स्टार्ट स्टूडेंट? सो यहाँ पर काफ डाल अलीफ है, तो यहाँ पर क्या लिखना है अपने को? डाक, डाल डाल अलीफ काफ डाक, ठीक है. फिर नेक्स्ट यहाँ पर रे से वाव अलीफ है, यहाँ पर लिखना है वाव अलीफ रे से, ठीक है. सो नेक्स्ट दाल ते अलीफ, ये सही नहीं है लिखे हुआ, ये लफ्ज रॉन्ग है, तो हमको क्या लिखना है? आयन अलीफ दाल ते आदत, ठीक है. यहाँ पर रे पेश वाव जे छोटी ये रोजी, यहाँ पर लिखना है रोजी. रे जबर्रा जे अलीफ खाफ जख राजख, यानी यहाँ पर रॉन्ग लिखे हुआ है वर्ड, अपने को यहाँ पर तरतीब देकर लिखना है. नेक्स्ट वन आज़ादी, अलिफ मत जे अलिफ दाल छोटी ए आज़ादी. नेक्स्ट अलिफ मत दाल मीम आदम. अब हम आपको यहाँ पर लिखना है अलिफ मत दाल अलिफ बे अदब. फिर नेक्स्ट यहाँ पर नून गाफ है, तो हम आपको लिखना है रे नून गाफ रंग, ठीक है स्टूडेंट्स. सो राइट नीटली. नेक्स्ट वन दाल, सॉरी दाल अलीफ गैन दाग. यहाँ पर क्या है? दाल रे वो, ये रॉन्ग लफ्ज है, तो हम आपको क्या लिखना है? गलत है. यहाँ पर अपने को सही कर और तरतीब देकर लिखना है, लफ्ज बनाना है अपने को. तो हम अभी लिखेंगे दाल वो रे तोर, ठीक है. सो नेक्स्ट वन यहाँ पर है गाफ मीम रे, ये तो अलग अलग हुरूफ है, अपने को यहाँ पर लिखना है गाफ रे मीम छोटी ये गर्मी. नेक्स्ट वन दाल पेश काफ अलीफ नून दुकान दाल अलीफ रे दार दुकानदार, ठीक है. नेक्स्ट वन अलीफ मत रे अलीफ मीम आराम. नेक्स्ट वन है
अलिफ मद रे छोटी ए आरी। तो यहाँ पर रॉन्ग सेंटेंस रॉन्ग लव्स है, आप लोगों को सही कर कर अपने रीडर में रीडर वर्क करना है, नॉट इन क्लास वर्क, ओनली रीडर, पेज नंबर 12। ऐसे ही आप लोग अपने रीडर में कंप्लीट करिए। नाउ इट्स टाइम फॉर होमवर्क। आज का हमारा होमवर्क है इन हरूफ को तरतीब देकर लिखिए। यहाँ पर नून ये, नून छोटी ए, क्या है यहाँ पर नून छोटी ए अलीफ रे, तो हम आपको यहाँ पर सही कर कर रे अलीफ नून छोटी ए रानी, यहाँ पर क्या होता रानी। सो नेक्स्ट अली एक, यहाँ पर एक छोटा वाला आप लोग की एक, ठीक है। सो हमारा ये आज का होमवर्क है, कितने टाइम्स करना है आप लोग को, टू टाइम्स लिखिए, ठीक है, टू टाइम्स लिखना है आप लोगों को, और साथ ही साथ लर्न भी करना है, ठीक है। कीप लर्निंग, स्टे एट होम, अल्लाह हाफिज़।